नमस्कार, मैं हूं हर्षद कुमार, आप देख रहे हो HBN न्यूज चैनल। लॉकडाउन की अवधि फिर से 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। देश भर को रेड जोन ग्रीन जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों को छूट दे दी गई है। ताजा आदेश के मुताबिक ग्रीन जोन में बसें चलेगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होगी। यानी अगर किसी बस में 50 सीट है तो इसमें 25 से ज्यादा यात्री नहीं होंगे। इसी तरह से डेपो में भी 50% से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर जारी आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि सुबह 7 से शाम 7 बजे तक लोगों को गैर जरूरी गतिविधियां, फालतू घूमने फिरने पर पाबंदी लागू कर दी गई है। बात करें ग्रीन जोन में, ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकान, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुओं मुहैया कराने वाले संस्थाएं भी 4 मई से खुले जाएगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे। ऑरेंज जोन में बसों की परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। ऑरेंज जोन में इंडस्ट्री एक्टिविटी शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स में नहीं होगी। दुकान, सैलून आदि बंद रहेगी। कई गतिविधियां पर अब भी पाबंदी है, जैसे कि हवाई यात्रा, रेलवे परिवहन चालन, मेट्रो परिचालन, सड़कों में एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश, स्कूल कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक संस्थाएं, ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट, होटल रेस्टोरेंट समेत आतिथ्य सेवा के बारे में संस्थाएं, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जैसे भीड़भाड़ वाली जगह सुबह 7 से शाम 7 बजे तक लोगों की गैर जरूरी गतिविधियां, फालतू घूमना फिरना। सभी जोन में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स जैसे समस्याओं से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिला, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ जरूरी काम या स्वास्थ्य जरूरत के लिए अलावा बाहर निकलना आवश्यक नहीं है। बात करें गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर भी रेड जोन के अंदर 9 जिले का समावेश किया है, ऑरेंज जोन के अंदर 19 जिले को समावेश किया है और ग्रीन जोन के अंदर 5 जिला समावेश किया है। अभी हम बात करें विजन के अंदर किस तरह से लॉकडाउन का पालन हो रहा है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। यहाँ नहीं कोई परिवहन अवर जवर नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं आपको दिखता होगा, कहीं आते हैं तो जरूरी काम सिवाय कोई गुजरता नहीं है। शायद सभी लोग पालन कर रहे हैं। यहाँ जो बाइक चल रही है इसके अंदर एक ही सवारी घूमता दिखता है। 4 मई से जो दुकान चालू होने वाली है इनकी पूरी तरह से पहले से तैयारी कर दी गई है। दुकानदारों ने अपने दुकान के आगे राउंड भी लगा दिया है, वो शायद आपको तस्वीर में दिखाई दे होगा। अपने अपने दुकान के आगे सोशल डिस्टेंस रखने के लिए राउंड लगा दिया है। भीड़ नहीं लगेगी इसलिए राउंड भी पूरी अच्छी तरह से लगाया है, आपको शायद तस्वीर में दिखाई दे होगा। ये पूरे विजयनगर के अंदर जो दुकान है इसके दुकान के आगे राउंड लगाया है, वो आपको शायद तस्वीर के अंदर दिखाई दे होगा।